नमस्ते, कैसे आप सब लोग। फोटो मैनिफेस्टेशन मेथड कैसे करें, आप फोटो से मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अननोन स्पेसिफिक पर्सन को, इवन अपनी हेल्थ को, मनी को, आप किसी भी चीज को फोटो मैनिफेस्टेशन मेथड से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जादू प्रैक्टिस की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं लगा रही हूं, और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जादू प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको इसके रिजल्ट्स धांसू मिलेंगे। ठीक है, धांसू मिलेंगे। हाँ, तो अगर आप जादू प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, मिनिमम 21 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम आप 38th पे चल रहे हैं, 36th पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने ज्यादा डेज आगे जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा वाला रिजल्ट आपको आएगा। प्रैक्टिसेस बीच में मत छोड़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। कोई एक आधी स्किप हो भी जाती है ना, तो कंटिन्यू दूसरे दिन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको कैसे करना है। आपको जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, मान लीजिए आपको किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि फोटो मैनिफेस्टेशन मेथड है तो ऑब्वियसली आपके पास में फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो उस इंसान की जैसी भी फोटो हो आपके पास, पुरानी फोटो हो आपके पास में, नई फोटो हो, उनकी डीपी में लगी हुई फोटो हो आपके पास, जैसी भी फोटो हो, पर ये ध्यान रखिएगा एकदम ही ऐसे किसी इंसान पर मत चले जाइएगा जिस इंसान को आप सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तो अगर वहां पर भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उनका कमेंट या आपने कोई डीएम किया हुआ है तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली उनसे आपके कॉल पे बात हो जाए, ये बात एकदम से मत करिएगा। ये भी आप प्रोसेस कर सकते हैं आगे, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो और जिनके स्पेसिफिक पर्सन है उनके पास उनकी फोटो है, जिनके पास ऐसे कोई इंसान है जिनकी फोटो तो है उनके पास लेकिन काफी दिनों से उनका जो है कांटेक्ट नहीं हुआ है, कांटेक्ट में पहले थे लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, टेंशन है, जो कुछ भी है, तो पहले तो रेजिस्टेंस आप देख ही रहे होंगे कि पिछली प्रैक्टिस जब अगर आप कर रहे हैं, एक महीना आपको ये प्रैक्टिस करते करते हो गया है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको फील हुआ ही होगा। अगर आप दिल से कर रहे हैं प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, चलो यार एक क्लास है मुझे करनी है, वैसा नहीं। अगर आप दिल से कर रहे हैं तो 100% आप फील कर रहे होंगे कि अच्छा लग रहा है, और वो जो रेजिस्टेंस था वो कम हो रहा है, आप अपने स्तर पर ऊपर उठ रहे हैं, अपने आप से आपका प्यार बढ़ रहा है, हीलिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो मैं करवा रही हूं ना आपसे प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यहीं हम थोड़ी सी मात खा जाते हैं, यहीं सोचते हैं अरे यार इतना कौन तामझाम करेगा, और फिर उसके बाद एक ही मैनिफेस्टेशन पर सालों लगे रहते हैं, बजाय ये कि 2-4 महीने 6 महीने पकड़ करके कोई प्रैक्टिस कर लें, अपने आप को अंदर से मजबूत करें एंड देन हम मैनिफेस्ट करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो फोटो लेनी है। आप अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मनी की फोटो ले लीजिए, आप चेक रख सकते हैं, जैसे हमने जादू प्रैक्टिस के अंदर चेक रखा है। ठीक है, आपने कोई भी अभी तक प्रैक्टिस के अंदर एक ऐसा इंसान उठाया हुआ है जिसकी आप क्वालिटीज को हमेशा से काउंट करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, आप लव वाइब्रेशन उनको कर रहे हैं, आप उनके लिए ओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस में इतने टाइम से आप बीच बीच में उस इंसान को उठाते रहे हैं, आप उसके बारे में कोई ना कोई अच्छी बात बोलते रहते हैं, जो कि अभी तक हमने सब कुछ प्रैक्टिस के अंदर किया है। ठीक है, तो उस इंसान को आपको ये फील करना है, मनी है तो मनी को फील करना है, घर है तो घर को फील करना है, गाड़ी है तो गाड़ी को फील करना है, फोटो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको फोटो को ध्यान से देखना है। मान लीजिए कि आपके पास फोन में फोटो है, ठीक है, तो आप फोन में उस फोटो को देखेंगे एंड फील करेंगे कि थैंक यू आपका मेरी लाइफ में होने के लिए, थैंक यू आपका मेरी लाइफ में होने के लिए, थैंक यू हम दोनों का जो बॉन्ड है वो डे बाय डे अच्छा होने के लिए। ये सारी चीजें आप मनी के लिए भी कर सकते हैं, घर के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज जो भी चीजें मनी से आती है ना आपके पास में, जिससे मनी भी जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आपकी जॉब हो सकती है, इवन आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी पढ़ाई में भी पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना एनर्जी है, एनर्जी के साथ आप एक बॉन्ड स्थापित कर सकते हैं, एक रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, मनी के साथ आपका एक रिलेशन हो सकता है, तो इवन आप रिलेशनशिप के सारे मेथड्स को मनी पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर फील करना है कि थैंक यू सो मच, हमारा जो बॉन्ड है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है, हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो मेथड है ना, ये आप एटलीस्ट 21 डेज कीजिए, फील करके कीजिए, दिन में सिर्फ 1-2 मिनट दीजिए, उनकी फोटो को आपको गौर से देखना है,
पैसे की फोटो है, घर की फोटो है, कार की फोटो है, पर्सन की फोटो है, जो भी फोटो है आपके पास, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो यहाँ पर ग्रेटफुल होना है, फील करते हुए होना है, हैप्पी हो जाना है, ऐसे जैसे कि वो फोटो नहीं है, वो रियल है. जो कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो रियल है. कार है तो रियल है, रियल में आपके पास वो कार है. घर है तो रियल है, आपके पास में वो घर है. वो पर्सन है तो वो रियल है, वो पर्सन आपकी लाइफ में है. यानी कि आपको भी प्रेजेंट में उस चीज को ऐसे फील करना है कि वो है, ठीक है. अगले 21 डेज आप इस वाले मेथड को कीजिए, डे में कभी भी करिए, टाइम टेबल का कोई इशू नहीं है. 1 से 2 मिनट अपनी फीलिंग को वहां तक जाने के लिए दीजिए. जैसे ही आप ये फील करना स्टार्ट करते हैं कि यस ये है, आप उनके लिए कृतज्ञ होते हैं, थैंक यू बोलते हैं, एंड देन लेट इट गो, छोड़ दीजिए. एंड ट्रस्ट मी, आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट. अगर आप उसके आउटकम से डिटैच होते हैं, ज्यादा रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते हैं, तो फिर आप देखेंगे, क्योंकि ये जादू प्रैक्टिस ने ऑलरेडी आपके अंदर कर दिया है थोड़ा सा कि आप डिटैच हो चुके हैं. आप अटैच हो रहे हैं तो यहां से हो रहे हैं, अपने आप से हो रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छा और ईजी तरीका है किसी भी चीज से डिटैच होने का और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने का. क्योंकि आप जैसे ही डिटैच होते हैं, आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, उस एनर्जी को ड्रॉप करते हैं एंड आप उस एनर्जी को पिक करते हैं. इट इज लाइक अ बॉल, आपने बॉल फेंकी तो नीचे ही आएगी ना, तो वो नीचे आएगी और आप कैच करेंगे, है ना. तो इस तरीके से होता है ये, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है. आप किसी भी फोटो के ऊपर लगा करके इस मेथड को कर सकते हैं. एंड कोशिश करें कि ऐसे इंसान और ऐसी चीज पर ही करें जहां पर आपकी अभी फिलहाल कॉन्शियसली फाइट ना हो, यानी कि बहुत ही रेजिस्टेंस ना हो. छोटी छोटी चीजों के ऊपर पहले इसको करके देखें, छोटे छोटे ऐसे ऐसे रिश्तों पर करके देखें जहां पर बहुत रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर है भी तो फिर थोड़ा सा टाइम दें. 21 डेज के बाद में दोबारा से भी आप 21 डेज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है. पर इसके साथ आपको जादू प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कतई नहीं छोड़नी है, ठीक है. अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार. आई लव यू ऑल. टाटा.